Aman yarabbim aman, aman yarabbim aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadın? Allah'a ekber. Fırat ne abi? Ya gerizekalı abi. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Yok. Lan insan vardı. Açılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gör denir. Kahramanmaraş'ta durum çok... हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज की ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। एक्चुअली आप सब जानते होंगे तुर्की में और सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ है, तो आज उसी पे मैं थोड़ी बात करने आया हूँ। इनफैक्ट एक हेल्प की अपील करने आया हूँ कि जैसे आप सब लोग जानते हो कि तुर्की में जो अर्थक्वेक हुआ है, भूकंप हुआ है, उससे जान माल दोनों की बड़ी भारी तादाद में हानि हुई है। तो हमारे पोलोपाने में एक कमेटी है जो किसी भी डिज़ास्टर के लिए, नेचुरल कैलमिटी जो होती है उसके लिए हर वक्त वो लोग हेल्प करते रहते हैं। तो उसी के लिए आज मैं आप सबसे अपील करने आया हूँ कि आप लोग से जो भी हो सकता है आप लोग इमदाद करें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर डाल दूँगा, ये मेरा खुद का अकाउंट नंबर नहीं है, जो पोलोपाने मुस्लिम ट्रस्ट वेलफेयर मिशन है, जो यहाँ की कमेटी है, उन लोगों का नंबर है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि आपसे जो भी हो सके, आप लिल्लाह मदद करना चाहें तो आप लिल्लाह भी कर सकते हैं, और आप अगर ज़कात निकालनी चाहें अपनी, तो दोनों का अकाउंट नंबर होगा इसके अंदर, तो मैं दोनों का अकाउंट नंबर दे देता हूं। तो वो मेरा खुद का नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये कमेटी का है, तो पैसे डायरेक्ट कमेटी के अकाउंट में जाएगा और वो लोग यहाँ से हेल्प करेंगे तुर्की में, सीरिया, जो भी अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पर ये लोग इमदाद पहुँचाएँगे। तो गाइज़, ये है कि ये हमारे लिए भी एक सवाब का ज़रिया है कि अल्लाह ताला ने एक्चुअली जो हमें रिस्क दिया है, रोज़ी दी है अल्लाह ताला ने, तो ये पूरी तरीके से हमारे हिस्से की नहीं होती। कभी कभार ये होता है कि अल्लाह ताला जो हमें रिस्क देता है, हमें जो रोज़ी देता है, उसमें औरों का भी हिस्सा होता है। तो कोशिश यही करें हम कि हमसे जो भी हो सकता है हम दूसरों की हेल्प करें, ताकि हमारी भी आखिरत संवर जाए। तो ये हमारी आखिरत के लिए भी होता है। तो उम्मीद है आप सब हेल्प करेंगे, जो अपने हैसियत के मुताबिक आप सब हेल्प करने की कोशिश करें। तो जो भी हमारे काम करने वाले हैं वो भी हेजिटेट ना करें, और हो सकता है वो आपके पास जो भी है आप अपने हिसाब से हेल्प करें, 50 रन 100 रन 200 500 रन, जो भी हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा है तो 5000 10000, जो भी हो सकता है आप अपने हिसाब से करें। इसमें ये हेजिटेशन ना करें कि यार मैं काम करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो यार मेरे 50 रन 100 रन से क्या होगा, तो यार ये चीज़ मत सोचें। तो एक एक्चुअली एक वाक्या है, किस्सा है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, आप लोगों को अगर याद हो तो नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाल दिए थे, तो तब मेंढक जो है फ्रॉग देर को, तो उसने क्या किया कि उसकी मोहब्बत का सबूत दिया और उसके मुंह में पानी लेके वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे उसके मुंह में पानी इतना आ नहीं सकता था कि उसके जो आग थी वो बुझ जाए, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई
कि उसको जन्नत का हकदार बना दिया, और मेंढक को जो फ्रॉग है उसको मारना हमारे लिए हराम कर दिया है। तो ये उसकी मोहब्बत थी। तो हमें यही सोचना है कि यार अगर से हमारे पास जितने भी पैसे है, 100 रन है, 50 रन है, 200, 500 जो भी है, हम अल्लाह ताला की मखलूक की हेल्प के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बस यही चीज़ आप लोगों को समझानी थी कि यार आप लोगों से जो भी हो सकता है प्लीज़ इमदाद करें। तो अगर अल्लाह ताला को यह अदा हमारी पसंद आ गई तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारे पेरेंट्स जो है उनकी आखिरत संवर जाएगी इंशाल्लाह। आप सब दुआ भी करें कि जो भी अफेक्टेड एरियाज़ है, तुर्की है, लिबनान है, सीरिया है, जहाँ कहीं भी ये अर्थक्वेक के जो असर हुए हैं, तो उन सब की जान माल की अल्लाह ताला हिफाजत करे, और हम सबको भी ऐसी नेचुरल कैलमिटीज से बचाए, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो सबके लिए दुआ करें और मेरे लिए भी खास दुआ करें। तो बस यही पैगाम देना था आप सबको कि आपसे जो भी हो सकता है आप इमदाद करें। मैं जो अकाउंट नंबर दे रहा हूँ फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मेरा खुद का अकाउंट नंबर नहीं है, ये पोलोगवाने जो मुस्लिम कमेटी है तो वेलफेयर ट्रस्ट उन लोगों का अकाउंट नंबर है, तो मैं वही आपको देना चाह रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, इवन थंबनेल में भी आप देख सकते हो कि उन्हीं का पोस्टर लगा हुआ है। तो वो लोग जाके डायरेक्टली जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे वो लोग आपकी हेल्प पहुँचाएँगे। तो बस यही था, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा और सबको दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।